दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के एक इन्वेस्टर ने डॉक्टर नुहैरा शेख से गुहार लगाई और कहा है कि डॉक्टर नुहैरा शेख जी, आप जो है हम लोगों का पेमेंट देना स्टार्ट करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी टाइम गुजर चुका है। आज हम इसी के बारे में डिटेल्स देने वाले हैं, तो गाइज वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वीडियो कहीं से भी स्किप मत करिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। उनका क्या कहना है डॉक्टर नुहैरा शेख से और किस चीज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। उम्मीद करता हूँ कि आप तक ये ऑडियो ज़रूर पहुँचता होगा और आप भी सुनती होंगी। आपके हालात, आपके मंसूबे, आपके जो कुछ भी है चल रहा है, सब हम फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आप मौत मेरे लिए, आपके लिए और दुनिया के हर इंसान के लिए 0 किलोमीटर दूर है। आप सुन रही है ना आपा, 0 किलोमीटर दूर है। मैं एक बाईपास और मेरे जैसे कई बीमार, मजबूर, लाचार, दवा के लिए परेशान, हालात से परेशान, भूख से परेशान, आपके कंपनी में पैसा लगाए, भरोसा किए। कुछ लोग जो 16, 17, 18 के हैं, जिनका लॉक इन पीरियड आपको पता है, अगर लॉक इन पीरियड है तो आपने पैसा नहीं दिया होगा उसको। और जिसने TCA नहीं है, गोल्ड में लगाया अप्रैल के बाद, किसी को कुछ पैसा नहीं मिला, वो भी आपको पता है। उसके लिए आपको ना डेटा की ज़रूरत है ना कुछ, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है क्या इनका लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड में पैसा दिया नहीं जाता है, तो इनका बेसिक अमाउंट है। तो आपको ना रनिंग डेटा की ज़रूरत है ना कोई डेटा की ज़रूरत है। तो कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप नियत करती हैं, अगर आप प्लान करती हैं, आपका अगर एक्सेलेंट प्लानिंग है, तो आपके पास, आपको पता है, बेसिक डेटा है आपके पास कि ये आदमी का लॉक इन पीरियड, ये आदमी का, इनको पूरा ही देना है। आप वेट ये कर रही हैं कि आपको रनिंग डेटा मिल जाए और रनिंग डेटा मिलने के बाद जिस जिसको जितना पैसा दिया है उतना कट करके मैं पैसा दे दूँ। रहा दूसरी बात, आपने 900 करोड़ का क्लेम किया है, गवर्नमेंट का वैल्यूएशन कुछ अलग है, आपका वैल्यूएशन कुछ अलग है, ठीक है। तो हम नॉन कंप्लायंस के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही नहीं है, कोई कोई संबंध ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसमें हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको, हमने आपको मान के चला है, हमने कंप्लेन नहीं किया है। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट आप है, मुकुल रोहतगी आप है हमारे लिए, और कई लॉयर्स जो चल रहे हैं सब आप है हमारे लिए। तो आपको हमारे लिए सोचना है, आपको हमारे लिए स्टेप लेना है। तो वो स्टेप आप कब लेंगी, क्या करेंगी, पता नहीं। जो भी SFIO अगर लिक्विडेशन करती है तो पहला पैसा वो लॉक करेगी, उनके पास जितने लोग गए हैं उनका, ठीक है। अच्छा, अगर सामने वाला अगर ले भी लेता है तो वो आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा देगा, वन शॉट में पैसा नहीं देगा, 3-3 महीना करके आपको बोलेगा कि मैं देता हूँ बोल के। तो आप समझ रही हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इतना इजी नहीं है कि लोगों को पैसा मिल जाए। जो SFI वाले हैं उनका क्या हाल होने वाला है, ये मेरी उम्र के हिसाब से, मैं 60 ईयर्स हूँ अभी, इंडिया का संविधान को जानता हूँ, कोर्ट को जानता हूँ, कचहरियों को जानता हूँ, पुलिस स्टेशन को जानता हूँ, क्या बिकता नहीं है, सब बिकता है। 5-5 ऑर्डर के बाद में बैंक अकाउंट डीफ्रीज नहीं हो रहा है। बैंक अकाउंट वालों को सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर का मतलब ही नहीं है, उनको डर ही नहीं है। डाटा, रनिंग डाटा का तो सत्यानाश कर दिए होंगे, इसीलिए तो डाटा नहीं मिल रहा है, उनको भी डर नहीं है। तो हम यही सुनते आ रहे हैं, डाटा नहीं मिल रहा है, अकाउंट डीफ्रीज नहीं हो रहा है, तो ये कहानी कब तक सुनते रहेंगे। हम लोग उलझ गए हैं, आपा हमें पता नहीं है। लोग मेरी बात कर रहा हूँ, मैं दवा रोज खाना है मुझे, बाईपास
तीन दिन में एक बार खाता हूँ, क्योंकि पूरी दवा नहीं ले पा रहा हूँ, खरीद नहीं पा रहा हूँ। महीने में 30 दिन होते हैं तो 10 दिन दवा खाता हूँ, ठीक है। और आप चार्टर फ्लाइट में खर्चा कर रहे हैं। 3 साल तक आप जेल में थी, आपके जो लेफ्ट राइट में जो दो लड़के खड़े रहते हैं, इनके पीछे आप बहुत खर्चा कर रही हो। सेम कपड़े, सेम सूट, अगर आफत आएगी ना तो ये दोनों भाग जाएंगे। पहला एक बाउंसर की भी एक बाउंसर का जो जिस्म होता है ना, वैसा भी जिस्म नहीं है किसी को मार सके, आपकी हिफाजत ही करें। पता नहीं आपने उनके पीछे कितना खर्चा कर रहे हैं, उनके केक काटने में खर्चा कर रहे हैं 5-5 लाख, सुनने में आता है, पता नहीं, हमने लाइव देखा नहीं है। आपको ये बता रहा हूँ, आप हम नॉन कंप्लेनर्स के लिए आप क्या कर रही हैं। अभी ये 30 तारीख को डेट आएगा, फिर यही डेट और 2 महीने तक चला, आप रिलैक्स, आपके पास टाइम मिल जाएगा। यहाँ हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग एक जिंदा लाश हो गए हैं। आप समझिए, आप हम बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जिसको आपको डेटा की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये जो है जिसने फूडेक्स में लगाया है, जो भी लगाया है, जिस उनका लॉक इन पीरियड है, तो बेसिक अमाउंट है। आपने उनको पैसा ही नहीं दिया है, उनको देना है, मुझे देना है, मैंने एक पैसा नहीं लिया आपसे, गोल्ड में लगाया DCA ने, तो आपको हमारा डेटा मिलेगा ही नहीं है, आपके रनिंग डेटा में हमारा रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पैसा ही आपने दिया नहीं। आपको पता है आपने किस महीने से आपका पैसा रिलीज होना बंद हो गया, आप जरा सोचिए। आप बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग बेहाल है लोग। आप पता नहीं, मन्नान कॉलेज सुनने में आता है, मन्नान कॉलेज का इतना पैसा, आपके ज़रूरतें में हर चीज़ आप अपने लोगों के लिए सब कुछ कर रही हैं, आपके जाने पहचाने। अब ये जो पॉलिटिक्स है, आपा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में नहीं जाता, एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बिजनेस में नहीं आता, दोनों जगह पैर, एक पैर इधर एक पैर उधर रख के नहीं जाता। बताओ ये हिंदुस्तान का कौन सा बहुत बड़ा बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में है? अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल है तो पॉलिटिशियन को आप जेब में रख के घूम सकते हो, ठीक है। अगर आप पॉलिटिशियन है तो बहुत सारे बिजनेसमैन आपके पास आ जाएंगे फंडिंग करने के लिए, ये दो अलग अलग चीज़ है। आप दोनों नावों में सवार है, आपा पता नहीं क्या जुनून है आपको, आपका पूरा फोकस उस तरफ है ना। कभी हम लोग अभी 3 महीना हो गया, नॉन कंप्लेनर लोग बिलक बिलक कर रो रहे हैं, क्या सोचकर आगे बढ़े, क्या सोचकर हम लोग खाना खाएं, क्या सोचकर हम लोग कितने मजलूम लोग हैं, क्या आप तक ये सब मैसेज नहीं आते आप? लूटने वाले आपको आपको पता है आपा कि कौन कौन आदमी पैसे खा रहा है आपसे, आपको पता है, गिन नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कोई प्रिंट मीडिया के हिसाब से प्रिंट करते जा रहा है, पैसे छापते जा रहा है। और आपको क्या लगता है, जितने MEP में जो आप लोगों, इनकी भी एक स्ट्रैटेजी है जो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, बोले चलो आपा को खुश कर देते हैं, MEP का पट्टा डालते हैं, आपा को खुश कर देते हैं, ये सब आप पैसा देने तक ही ये स्टोरी है। आपा मेहरबानी करके आप सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। आपा मेरी बातें कड़वी है शायद, अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। इंडिया है आपा, इंडिया है, कांग्रेस की पार्टी 60 साल तक किसी को सुधार नहीं पाई, जीरो हो गई। अभी हमारी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है, कितने साल चलेंगे, क्या हिंदुस्तान सुधर जाएगा, क्या एम्पावरमेंट हो जाएगा? पॉलिटिक्स बहुत मेरे स्कूल में सिखाया गया था बचपन में, अच्छा आदमी है तो पॉलिटिक्स में मत जा, पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं जाना, ये एक खेल है, गिव एंड टेक पॉलिसी है, खेल है बस, पैसे से सत्ता, सत्ते से पैसा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई किसकी भलाई नहीं करता। आपका अपना वोट बैंक आपके 1,72,000 है, आपके खुद के वोट बैंक है ये, अगर आप इनको संभाल लेंगे तो आपको ये लोगों का के पास भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये लंबा हो रहा है आपा, मुझे पता है 30 तारीख को डेट है, लेकिन डेट में फिर
ये तारीख मिलेगी, फिर कुछ और कुछ लंबा चौड़ा हो जाएगा या कोई एब्सेंट हो जाएगा, फिर हमको तारीख मिलेगी। अपा मेरा आखिरी रिक्वेस्ट, नॉन कंप्लेनेंट के लिए एक वीडियो ऑडियो आप रिलीज कीजिए, उनके लिए एक स्ट्रैटेजी आप बताइए, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट, बाकी दूसरा कुछ बात नहीं। नॉन कंप्लेनेंट के लिए आप क्या करेंगे ये बताइए, ये 30 अगस्त के पहले बताइए। हमको पता है डेट मिलेगी, डेट मिलने के बाद और डेट मिलेगी, ये चलता रहेगा और ऐसे प्रयोग भी चलता रहेगा। और SFI में जो गए हैं वो तो उनका क्या हाल होने वाला उनको ही पता है।